आपके कमोडिटी से जुड़े तमाम सवालों को शामिल कर लिया जाए। चलिए अब इस बुलेटिन में हमारे साथ जो दिग्गज पैनल जुड़ी है इनको शामिल कर लेते हैं। कमोडिटी बाजार के जाने माने नाम, एक तो एंजल कमोडिटी के अनुज गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए और साथ ही हेम सिक्योरिटीज से आस्था जैन, आप दोनों का स्वागत है जी बिजनेस पर। अनुज गुड इवनिंग। सबसे पहले तो रूपी में जो एक कारोबार आज के सत्र में दिखा, ओपनिंग की अगर बात की जाए यहां पर थोड़ा सा डर था कि रूपी कहीं 70 के ऊपर के लेवल्स ना देख ले, और ओपनिंग में अगर बात की जाए तो लगभग 8 पैसे की मजबूती ही देखी गई, और एक वक्त ऐसा भी था जहां पर 70 के लेवल्स रूपी ने देख लिए, और करंट लेवल्स की अगर बात की जाए तो यहां पर 4 पैसे की मजबूती के साथ 69.80 के लेवल्स के आसपास 69.89 पर रूपी क्लोजिंग हुई है। रूपये में जो चाल दिख रही है फिलहाल एक कॉन्शियस कारोबार यहां पर होता हुआ दिख रहा है, आगे चलकर रुपए का आउटलुक कैसा लग रहा है? देखिए रूपी में अगर देखें तो जो ट्रेंड है वो डेप्रिसिएशन का है। हमने हालांकि 70 के आसपास जो अगस्त कॉन्ट्रैक्ट है वो बंद होते हुए देखा है। मुझे लगता है कि अभी आईएनआर थोड़ा डेप्रिशिएट ही रहेगा। हालांकि आज हमने एक रेंज बाउंड मूवमेंट देखा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो डॉलर इंडेक्स की वजह से यहां मार्केट आज रुकता हुआ दिखाई दिया है, मगर डॉलर इंडेक्स की भी जो ट्रेंड है वो थोड़ा पॉजिटिव है। हमें लगता है कि डॉलर इंडेक्स आगे 97 तक जाता हुआ दिखाई देगा, तो हो सकता है कि इंडियन रूपीज भी जो 70 का रेंज है उसको ब्रेक करता हुआ दिखाई दे। तो हमें लगता है कि फिलहाल मार्केट थोड़ा एप्रिसिएशन मोड में रहेगा, तो बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी। हमें लगता है कि जल्दी ही 70.30 तक के लेवल यूएसडीएनआर में देखने को मिल सकते हैं। ओके, विकास गुप्ता पहले हमारे साथ जुड़े हैं यूपी से। विकास नमस्कार, सवाल पूछे आपने। जी मेरा मेंथॉल पे सवाल है मैम। ठीक है जी, मैंने मेंथॉल 1660 रूपये में बाय कर रखा है। चलिए मेंथा ऑयल पे आपको राय दिलवा देते हैं। अनुज मेंथा पर निवेश किया है इन्होंने, करंट लेवल्स पर मेंथा में जिस तरह से पैटर्न दिख रहे 1645 के ऊपर के स्तर, 33 अंकों की गिरावट यहां पर देखी गई है, मेंथा पर आपकी राय क्या रहेगी? देखिए मेंथा में जो ओवरऑल ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। इस बार एक्सपोर्ट डिमांड अच्छी देखी है और साथ में इंडियन रूपीज जो डेप्रिशिएट हुआ है उसका असर भी यहां देखने को मिला है। हमें लगता है कि जो इनकी बाइंग पोजीशन है इसको होल्ड करना चाहिए। जल्दी ही अगर हम देखें तो हमें लगता है 1700 से लेकर ऊपर तक के लेवल यहां देखने को मिल सकते हैं, तो जो बाइंग पोजीशन है इसको होल्ड कर सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाह रहे हैं तो इनके लिए जो स्टॉप लॉस है करीबन 1610 का रहेगा, अदरवाइज मुझे लगता है कि ऊपर का ट्रेंड रहेगा और 1700 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो जो बाइंग पोजीशन है इसको होल्ड करना चाहिए। चलिए विकास, 1700 के ऊपर के लेवल भी आप देख सकते हैं करंट लेवल्स पर, मेंथा जो पोजीशन है उसको अगर आप होल्ड करें तो बेहतर होगा, ये राय आपके लिए मिल रही है। पान सिंह हमारे साथ जुड़े हैं बारमर से। पान सिंह नमस्कार, अपना सवाल पूछें। जी नमस्कार जी। जी जी मेरे पास 22 क्विंटल ग्वार है सर, इसमें भाव बढ़ेगा पता तक का देखने मिलेगा इस हफ्ते जैसे कितना बढ़ेगा अगस्त अगस्त में? ठीक है, ग्वार सीड अनुज यहां पर 4464 के लेवल्स, 74 अंकों की तेजी, लगभग 2% के आसपास की तेजी देखने की कोशिश ग्वार सीड में हो रही है, इनके लिए राय क्या रहेगी? देखिए ग्वार सीड और ग्वार गम का जो पैक है उसमें भी ट्रेंड पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसमें ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। हालांकि हमने अगर हम 2 या 3 दिन देखें तो एक कंसोलिडेशन का फेस रहा है, मगर उसके अंदर भी अगर देखें तो जो ट्रेंड रहा है वो पॉजिटिव रहा है। मार्केट लोअर लेवल से बाउंस होकर क्लोज हुई है। आज भी हमने देखा है कि मार्केट ऑलमोस्ट 2% के आसपास बंद होती हुई दिखाई दी है। मुझे लगता है कि ग्वार सीड और ग्वार गम के अंदर जो ट्रेंड रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। आने वाले दिनों में अगर हम टारगेट को देखें तो हमें लगता है कि 4550 से लेकर 4600 तक के लेवल ग्वार सीड में, और अगर ग्वार गम की बात करें तो 9800 तक के लेवल ग्वार गम में देखने को मिल सकते हैं। तो हमें लगता है कि अगर बाइंग पोजिशन है तो इसको होल्ड करना चाहिए। पान सिंह जी, ऑन ए पॉजिटिव साइड यहां पर पोजिशन को आप बनाए रखें, ये राय आपके लिए बन रही है। इसी के साथ एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं महेश, ये जलंधर से जुड़े हैं। महेश नमस्कार, सवाल पूछे आपका। नमस्कार मैम, मैंने ना हेलो जी बताएं। हाँ मैंने ना लैंड सेल की हुई है 143 पे। जी कहाँ पर निवेश किया आपने? लैंड 143 पे। ठीक है, मेटल पैक पर एक नजर बना लेते हैं करंट लेवल्स पर। मेटल में वैसे तो तेज गिरावट का रुझान देखने को मिला था आज के सत्र में, अगर लेड की बात की जाए 147 के लेवल्स फिलहाल यहां पर दिख रहे हैं। क्लियरली ट्रेड टेंशन और इसी के साथ जो करेंसी वॉर का भी खतरा बाजार पर मंडरा रहा था उसका असर काफी हद तक तमाम कमोडिटीज पर देखने मिला। कॉपर, निकल, जिंक और एल्यूमिनियम की अगर बात की जाए तमाम मेटल्स में बिकवाली का ही दबाव दिखा।
अनुज, मेटल्स पर आपकी राय इनके लिए क्या रहेगी? देखिए, मेटल्स में अगर देखें तो एक रेंज बाउंड मूवमेंट रहा है। अगर हम ओवरऑल देखें तो हमने कल के सेशन में एक अच्छा बाउंस लगाते हुए देखा था, मगर मार्केट मुझे लगता है कि थोड़ा एक रेंज में रहेगा। तो अगर इनकी लेड की पोजीशन है 143 सेलिंग की, तो यहां पर मुझे लगता है कि एक बार होल्ड कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड एक बार 40 से लेकर 40-50 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, बट मुझे लगता है कि एट कॉस्ट अगर मिलती है पोजीशन तो हमें निकल जाए, क्योंकि हमें लगता है कि बाय ऑन डिप्स की मार्केट यहां होती हुई दिखाई देगी। क्योंकि अगर हम ट्रेड वॉर देखें तो थोड़ा सा कूल ऑफ में जाता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है कि उसका असर बेस मेटल पर रहेगा और हो सकता है कि अगेन एक रैली बेस मेटल में देखने को मिले, तो अगर भाव नीचे मिलते तो एग्जिट कर लें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, आप देख रहे कमोडिटीज लाइव और आपके तमाम सवालों के जवाब लेकर हमारे साथ दो दिग्गज अनुज गुप्ता और आस्था जैन जुड़े हैं। सवाल पूछने का तरीका बिल्कुल आसान है, आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे टोल फ्री नंबर फ्लैश हो रहे हैं जिन पर आपको कॉल लगाना है। हमारी पूरी कोशिश होगी कमोडिटी बाजार से जुड़े आपके हर सवाल को इस बुलेटिन में शामिल कर लिया जाए। चलिए एक सवाल ले लेते हैं बीरेंद्र बंसल का, ये पंजाब से जुड़े हैं। बीरेंद्र जी नमस्कार, सवाल पूछें। वीरेंद्र जी आपको मेरी आवाज आ रही है? श्रीन से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन इनके सवाल पर एक बार नजर बना लेते हैं। मसाला पैक में जीरा में निवेश किया है इन्होंने, मसाला पैक में आज के कारोबार की अगर बात की जाए करंट लेवल्स पर, यहां पर जिस तरह से क्लोजिंग हुई है मसाला पैक पर, सबसे पहले तो जीरा में 19,580 के लेवल्स 80 अंकों की बिकवाली के साथ कारोबार दिखा। अनुज, जीरा में आपका आउटलुक क्या रहेगा? देखिए, जीरा के अंदर अगर हम एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड को देखें तो वो पॉजिटिव है, बट अगर हम पिछले 3 या 4 दिन के सेशन को देखें तो हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। मुझे लगता है कि जीरे के अंदर जो इनका अगर बाइंग पोजीशन है तो इसको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि अगर हम देखें तो ओवरऑल जो इस बार जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो काफी पॉजिटिव देखने को मिली है, ज्यादा देखने को मिली है। साथ में इंडियन रूपीज जो डेप्रिशिएट हुआ है उसका असर भी यहां पर देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि इनको अपनी पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। अगर हम एक लॉन्ग टर्म टारगेट की बात करें तो एक्सपेक्टेड है कि 21,000 तक के लेवल अगर हम आने वाले 1 से 1.5 महीने की बात करें तो देखने को मिल सकते हैं। तो जीरे के अंदर मुझे लगता है कि जो ट्रेंड है पॉजिटिव वो रहेगा। चलिए, तो क्लियरली 21,000 के लेवल्स जीरे में आगे चलकर दिख सकते हैं, पोजीशन को बनाए रखें फिलहाल, ये राय। 19,580 के लेवल्स यहां पर फिलहाल दिख रहे हैं। इलायची की अगर बात करें अनुज, यहां पर एक सरप्राइजिंग मूव है, 4% के आसपास की तेजी, 1,262 के स्तर, इलायची में आउटलुक क्या रहेगा आपका? देखिए, इलायची के अंदर अगर देखें तो जो ट्रेंड बना है वो पॉजिटिव बना है इस बार। जो अगर हम क्रॉप की साइड जाएं तो जो प्रोडक्शन है वो भी इस बार थोड़ा कम देखने को मिला है, और जो निर्यात मांग है वो इस बार ज्यादा देखने को मिली है। तो अगर हम देखें तो ओवरऑल डिमांड सप्लाई का जो मिसमैच है वो यहां देखने को मिला है। हमें लगता है कि उसकी वजह से जो भाव है वो ऊपर आते हुए दिखाई दे, और अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में भी देखें तो यहां पर जो ट्रेंड बना है वो पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो कार्डमम की ट्रेंड रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, और एक्सपेक्टेड है जो कि भाव अभी करीबन 1,262 है सेप्टेम्बर कॉन्ट्रैक्ट के, तो जल्दी ही हमें लगता है कि 1,300 रुपये तक के लेवल यहां देखने को मिल सकते हैं। चलिए जुड़े हैं विजय, नमस्कार, सवाल पूछें। हाँ नमस्कार मैम जी। हेलो जी, बताएं। नमस्कार मैम, मैम मेरा एनजी सवाल है, मेरा एनजी शॉर्ट है 97 पे, ठीक है, दो लॉट, तो कहाँ तक जा सकता है ये आप साइड में? ठिकानों जो नेचुरल गैस फिलहाल 206 के लेवल्स हैं, विजय के लिए आपकी राय क्या होगी? देखिए, नेचुरल गैस में अगर देखें तो जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, हालांकि $3 का अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो $3 काफी स्ट्रांग रेजिस्टेंस रहेगा, बट हमें लगता है कि जिस तरह अगर हम पूरे वीक अगर हम पिछले 3 वीक को देखें तो मार्केट पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज हुआ है, और अगर हम देखें तो फॉलो अप आज भी एक पॉजिटिव ट्रेडिंग में दिख रहा है। मुझे लगता है कि इनकी जो पोजिशन है इसे निकल जाना चाहिए। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में 210 से लेकर 213 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो जो शॉर्ट की पोजिशन है उसको निकल जाए, और मुझे लगता है यहां से बाइंग क्रिएट कर सकते हैं। इनिशियली टारगेट 210 का रहेगा और उसके ऊपर करीबन 213-214 का टारगेट देखने को मिल सकता है, तो बाइंग साइड में रहना ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अगस्त कॉन्ट्रैक्ट नेचुरल गैस पर ये राय फिलहाल मिलती हुई दिख रही है, 210 के टारगेट्स आप देख पाएंगे। खरीदारी का मन बनाया जा सकता है, 200 का यहां पर एक स्टॉप लॉस लगाना होगा 204 के लेवल्स देखने पर। और इसी के साथ एग्री कमोडिटी के हाल पर एक बार नजर बना लेते हैं, और साथ ही यहां पर सोयाबीन कॉन्ट्रैक्ट पर अगर एक बार नजर की जाए, करंट मार्केट प्राइस सोयाबीन में जिस तरह से क्लोजिंग आज के सत्र में देखी गई है, अनुज अगर निवेश का नजरिया बनाना है तो यहां पर क्या बाय कॉल इनिशिएट किया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल, जो अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट है वो मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, जो भी करीबन 3322 के आसपास क्लोज हुआ है। मुझे लगता है कि इसमें भी बाइंग करके चलना चाहिए, करीबन 3300 के आसपास कर सकते हैं, ऊपर टारगेट अगर देखें तो करीबन 3380-3400 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो पॉजिटिव ट्रेंड यहां पर बाय ऑन डिप्स का रहेगा। ठीक है, हमारे साथ केवल अपना सवाल पूछे। हाँ जी, हमारे पास निकिल है, एक लॉट खरीदा हूँ 938 रुपये, 938 रुपये इंटर डे पर्पज से खरीदा है,
उसको क्या करना चाहिए, कैरे फॉरवर्ड पोजिशन में भी रख सकता हूँ मैं। अनुज निकल पर इन्होंने निवेश के इंट्राडे पर्सपेक्टिव पर 937 के लेवल्स फिलहाल हम देख रहे हैं। मेटल पैक में वैसे तो आज नरमी का रुझान देखने को मिला, निकल पर आपकी राय क्या होगी? यानी कि निकल अगर देखें तो बाकी बेस मेटल के में काफी आउट परफॉर्मेंस रहेगा और हमें लगता है कि जो भाव है वो सपोर्ट के आसपास हैं, तो यहां से जो उनकी बाइंग पोजीशन इसको होल्ड करना चाहिए। इनिशियल जो हम टारगेट देख रहे हैं करीबन 950 से लेकर 960 तक हो सकता है, स्टॉप लॉस ये 925 पे लगा सकते हैं। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में एक अपसाइड मोमेंटम रहेगा और अगर हम इसके लॉन्ग टर्म टारगेट की बात करें तो हमें लगता है कि 985 से लेकर 990 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो निकल के अंदर जो बाइंग पोजीशन है इसको होल्ड करना चाहिए। अनुज आपकी अगली रैपिड फायर कॉल। नेचुरल गैस में बाय रिकमेंड किया है, हमें लगता है कि 210 तक के टारगेट देखने को मिल सकता है। चलिए आप तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का शुक्रिया। फिलहाल कमोडिटीज लाइव में आज के लिए इतना ही, लेकिन आपके मुनाफे की खबरें ढेर सारी हैं, बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।